नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। 20 साल बाद बना ऐसा संयोग जिसका था सभी को इंतजार। आज का दिन है बेहद खास, देखना मत भूलिए कालचक्र। जी हाँ, करीब 20 साल बाद आज मौनी अमावस्या और शनि अमावस्या एक साथ पड़ी है। माघ के महीने में आने वाली ये अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए स्नान दान से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है और हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। आज बने इस महासंयोग पर किए गए महा उपाय आपको कई गुना फल दे सकते हैं। ऐसे में इस खास मौके को हाथ से जाने ना दे, साथ ही माघ महीने में कौन से उपाय आपको धन लाभ कराएंगे, पितृदोष से मुक्ति दिलाएंगे और संतान सुख भी दिलाएंगे, तो आप भी इस शुभ मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और पूरे एक घंटे हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए, 01206652411। तो आज मौनी अमावस्या पर कौन से महासंयोग बन रहे हैं, साथ ही मौनी अमावस्या पर क्यों स्नान दान और पूजा का महत्व बढ़ जाता है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, वाकई में आज के दिन की बहुत महत्ता कही जाती है। लोग जो है, हम देखते हैं कि तीर्थ स्थलों पर, घाटों पर बहुत भारी भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिलती है। देखो पूजा, ऐसा है 30 साल बाद मौनी अमावस्या पर ये बन रहा विशेष संयोग। 30 साल बाद आज मौनी अमावस्या पर खप्पर योग बना हुआ है। खप्पर योग धार्मिक कार्यों के लिए और शनि से जुड़े उपायों को करने के लिए सबसे शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या से 4 दिन पहले शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि में शनि के होने से मौनी अमावस्या पर अद्भुत योग बन रहा है। मकर राशि में सूर्य शुक्र की युति और त्रिकोण की स्थिति खप्पर योग का निर्माण कर रहा है। आज मौनी अमावस्या पर दान, स्नान, गीता पाठ और तीर्थ यात्रा शुभ फल देगी। आज 20 साल बाद शनिवार के दिन मौनी अमावस्या आई है। 2003 में शनि अमावस्या और मौनी अमावस्या का संयोग बना था। आज 20 साल बाद शनि अमावस्या और मौनी अमावस्या का महासंयोग बना है। 2023 के बाद अब 2027 में ये संयोग बनेगा। माघ मास भी चल रहा है, ऐसे में माघ मास से जुड़े उपाय भी जरूर करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए, आज अमावस्या को लेकर तमाम जानकारी तो हम आपको देते ही रहेंगे। फिलहाल अब राशि अनुसार हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहली राशि से, यानी मेष राशि से। आज मौनी अमावस्या पर मेष राशि वाले कैसे करें स्नान, क्या करें दान और कौन से उपाय करें, जान लेते हैं पंडित जी से मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को चाहिए कि आज मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए स्नान करने के बाद तिल के तेल को शरीर पर लगाकर तिल का दान करना चाहिए। भाग्योदय के लिए आलू में हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए, उबले हुए आलू में। और कर्ज से मुक्ति के लिए आज मौनी अमावस्या पर शहद पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। दरिद्रता को दूर करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण दिशा में गुड़ की डली रखना चाहिए और हर प्रकार से हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अनुराग हैं फोन लाइन पर। बताइए अनुराग, क्या है आपका सवाल? पंडित प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए अनुराग जी। हाँ, मेरा लड़का है अर्पित अवस्थी और वो क्रिकेट खेलता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख है 20/7/2002, समय है 4:04 शाम को जी। हाँ, तो इसकी क्रिकेट में इसका करियर कैसा है? आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की दोनों एक साथ स्थिति है। अंडर 19, अंडर 20 खेलने का योग बना हुआ है।
अभी तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन आगे के सफलता में संदेह दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति कुंभ राशि में हो गई है। वो 2.5 साल तक रोकेगा, कोई विशेष उपलब्धि नहीं लेने देगा। आप अपने बेटे से कहिए कि जैसे वो अभ्यास करता है उसी तरह से वो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ भी किया करे, इससे उसका करियर अच्छा हो जाएगा और उसे सफलता भी मिलेगी। चलिए शुक्रिया अनुराग। और अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं नोएडा से, विजय लक्ष्मी जी। पूछिए विजय लक्ष्मी जी, क्या आपका सवाल है? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था अपने लड़की और लड़के के बारे में। मेरी लड़की का बर्थ डेट है 15 अप्रैल 2002 और लड़के का बर्थ डेट है 25 सितंबर 2004। तो काजल नाम है लड़की का, सोनू नाम है लड़के का, तो इनका कैसे भविष्य आगे रहने वाला है सर, यही जानना था मुझे। देखो, तुम्हारे बेटी के भविष्य के बारे में तो यही कहूँगा कि शुक्र और बृहस्पति दोनों का इत्तेसाल बुध के साथ हो रहा है, तुम्हारे बेटी का भविष्य बहुत अच्छा है। बेटे के भविष्य की बात जहाँ तक है तो द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और बुध हैं, दोनों चतुर्थ दशम की स्थिति में हैं। बेटे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ाई में भी संघर्ष करना पड़ेगा, करियर में भी संघर्ष करना पड़ेगा, और काफ़ी मतलब कि उसे दौड़ भाग करने के बाद अपने जीवन में सफलता मिलेगी। चलिए शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी जी। और लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हम वृषभ राशि की भी बात कर लेते हैं, यानी वृषभ राशि वालों को अमावस्या पर, मौनी अमावस्या पर क्या कुछ दान करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले आज मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान करने के बाद उन्हीं कपड़ों का दान जरूरतमंदों में करें। भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाकर मिश्री चढ़ाएं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए दूध और गंगा जल पानी में मिलाकर स्वयं स्नान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए दूध में शहद मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। धनवान बनने के लिए कच्चे चावल गाय को जरूर खिलाएं। ये सब उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा और इसके साथ श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना न भूलें। श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ यदि आप नित्य करते रहेंगे तो महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा आपके ऊपर हर समय बनी रहेगी। जय माँ विंध्यवास। चलिए पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से साहिल हमारे साथ हैं। पूछिए साहिल अपना सवाल। चलिए साहिल से बात नहीं हो पा रही है। देवानंद भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवानंद जी अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी। मेरा ना 2-2.5 साल से काम में मन नहीं लग रहा, मतलब खाने पीने में ज्यादा ध्यान देता है, और मेरा डिवोर्स हुए 2.5 साल हो गया, तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ, उसका कोई हल बताओ। कितने साल के हो गए आप? मैं 37 साल का हो गया पंडित जी। हाँ तो देवानंद जी, मैं आपको बता दूं कि आपके द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध का सदाष्टक योग है, भाग्य बिल्कुल आपका विपरीत चल रहा है, भविष्य आपका अच्छा सिग्नल नहीं कर रहा है, और आपका भविष्य अच्छा सिग्नल नहीं कर रहा है ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान मंदिर में जा करके हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को जो सिंदूर और तेल पैरों में लगाया जाता है उसे अपने माथे पर टीका के रूप में लगाएं, तब जा करके आपका रास्ता खुलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि माघ के महीने में क्यों स्नान दान और पूजा का महत्व इतना बढ़ जाता है, और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए माघ महीने में कैसे दें सूर्य को अर्घ और किस भगवान की कैसे करें पूजा। तो पंडित जी, महत्वता तो हम जान ही रहे हैं जिस तरह से आपने पहले भी हमें बताया, अब सवाल ये कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सूर्य अर्घ को काफी महत्व भी दिया जाता है, किस भगवान की कैसे पूजा करें, कैसे अर्घ दें, तमाम वो सवाल जो शायद सभी जानना चाहते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए
माघ मास में एक लोटा जल में गुलाब की 3 पंखुड़ियां डालकर सूर्य को अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लाल चंदन और अक्षत मिला करके उनको तिलक करें, अनार का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। लाल कपड़ा, मसूर की दाल, गेहूं का दान करें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक कॉलर कानपुर से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सोनम। सोनम पूछिए अपना सवाल। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। सर ये पूछना है, हमें अपनी शादी और कैरियर के बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 1988 सुबह 7 बजे, और कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है, और घर की परिस्थितियां भी बहुत बिगड़ी हुई हैं, पिताजी भी नहीं है, मम्मी और हम रहते हैं, तो बता दीजिए। क्या नाम बताया आपने अपना जी? सोनम। सोनम जी, मांगलिक दोष तो है आपकी कुंडली में, और घर की स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसके लिए तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप अपने घर में हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं, क्योंकि आपके घर में रोग व्याधि कलह सब कुछ है। ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा अगर विधिवत होगी और प्रसाद का वितरण होगा, लोग कथा सुनने आएंगे, तो निःसंदेह आपके घर की परेशानी दूर होगी और आपका अच्छा विवाह भी होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मौनी अमावस्या पर मिथुन राशि वाले कैसे करें स्नान, क्या करें दान और कौन से करें उपाय, जान लेते हैं पंडित जी से मिथुन राशि के लिए। देखिए मिथुन राशि के जातकों को आज मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए नहाने के बाद शरीर को बिना पोंछे सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नए कंबल और अन्न का दान भी करना चाहिए। भाग्योदय के लिए जरूरतमंद को हरी सब्जियां दान करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए गुलाब का फूल, गुलाब जल पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पैसे रखना चाहिए। ये सारे उपाय आपको आर्थिक स्थिति में समृद्धि देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ गुजरात से, किरण। किरण क्या है आपका सवाल? मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना है। मेरा नाम किरण है, मेरी बहन का नाम हेमलता है, उसकी जन्म तारीख है 6/5/76 और सुबह 11:50 से उसका जन्म है। उसका बुढ़ापा कैसे जाएगा? और गुरुजी आपने बोला था ना साल भर के पितरों को सीधा दिया करो, काचाओ हम चला रहे, तो क्या होगा? और देखिए आपने अपनी बड़ी बहन के भविष्य के बारे में पूछा है किरण जी, तो मैं बता दूं कि आपके बड़ी बहन के भाव का स्वामी है मंगल, और उससे सप्तम भाव का स्वामी बना हुआ है शुक्र, और उससे द्वितीय भाव का स्वामी भी शुक्र है। शुक्र और बृहस्पति तृतीय एकादश में है, शनि मड़ऊ योग कारक है। उनके जिंदगी में सुख तो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन्हें सुख मिल नहीं पाएगा, जिसके कारण उनका जो वर्तमान है, जो भविष्य है, वो काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है, और काफ़ी संघर्ष उनके भविष्य में आगे भी हमको दिखाई दे रहा है। उनको चाहिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा जरूर करें। अगली कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से चित्रा है फोन लाइन पर। चित्रा पूछिए अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते पंडित जी। मैं अपने बारे में और अपनी बेटी के बारे में पता करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2009, और पंडित जी उसे 8वीं कक्षा कर रही है इस वक्त, और आगे उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आगे भविष्य में उसे तरक्की मिले? और दूसरा सवाल ये है पंडित जी, मेरी बहन का नाम है संगीता गोस्वामी, उनका मकान अपना होगा या नहीं होगा? वो किराए पर रहती हैं। चित्रा आपके पुत्री भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है,
मंगल और चंद्रमा को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये कह सकता हूँ कि आप अपने बेटी को मेडिकल की तैयारी करवाइए। अभी ये 14 साल की हो रही है, इसको मेडिकल की तैयारी करवाइए। मेडिकल की तैयारी में ये बहुत अच्छा करेगी, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए शुक्रिया चित्रा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात है कर्क राशि की। जी हाँ, मौनी अमावस्या पर कर्क राशि वाले कैसे स्नान करें, क्या दान करें, कौन से उपाय करें, जान लेते हैं पंडित जी से कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातक, आज मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए घुटनों पर बैठकर तिल, रुई, लाल कपड़ा, गेहूं, चावल या चांदी का दान भगवान विष्णु के मंदिर में करें। आज शरीर पर तेल न लगाएं। भाग्योदय के लिए आलू उबालकर उस पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए पीली सरसों जल में डालकर स्नान करें। चने की दाल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में कबूतरों के लिए ज्वार डालें। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से हैं शिवलखन। पूछे शिवलखन जी अपना सवाल। सर जी, मेरी बेटी का नाम तीस्ता यादव है, ये 1986 में पैदा हुई है, 12 बजे दिन में, मेरा 12:05 से मेरा से पैदा हुई, लेकिन हम इसकी शादी नहीं कर पा रहे कहीं पर भी, क्या बात है। शिवलखन जी, ऐसा है, आपके पुत्री भाव का स्वामी है बुध और उसे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है, जिसके कारण इसके विवाह में विवाह प्रतिबंध योग बना हुआ है। आपको चाहिए कि आप इसे माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में शुक्रवार को ले जाइए, वहाँ इसे माँ विंध्यवासिनी के श्रृंगार की सामग्री चढ़वाइए और वहीं पर अष्टभुजा मंदिर के ठीक नीचे पहाड़ी के नीचे एक मंगला गौरी का मंदिर है, मंगला गौरी मंदिर पर ले जाकर के इससे नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़वाइए। ये उपाय करने के बाद इसके विवाह का रास्ता खुल जाएगा और विवाह अच्छा हो जाएगा। और चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। एसटी शर्मा हैं जम्मू से हमारे साथ। पूछे शर्मा जी अपना सवाल। जनाब, पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जनाब, बड़ी मेहरबानी है आपका, आजकल फोन मिल जाता है जनाब। जनाब, मेरा लड़का का जन्म है 9 जनवरी 1981, 2:04:25 शाम को जनाब चंबा में हुआ, डलौजी के पास जनाब। वो उसने 5 एकड़ जगह के करीब ली हुई है नाइजीरिया में, और वहाँ पर राइस मिल और बॉयल्ड राइस का प्लांट लगाया है जनाब। तो थोड़ा उसमें उसको धोखा हो गया, प्लांट लेने वालों ने थोड़ा उसका 1.5 करोड़ का चूना लगा दिया जनाब। उसका काम कैसे चलेगा और जनाब उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? तो उसकी वाइफ के साथ थोड़ी सी ऐसे है सर, वाइफ तो कैसा रहेगा जनाब, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, इनका पारिवारिक जीवन तो बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में इनके काफ़ी उथल पुथल और अविश्वास की स्थिति है। जहाँ तक व्यवसाय में धोखा नुकसान की बात है, धोखा नुकसान तो ज़रूर हुआ है, लेकिन इससे उबर जाएंगे और किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है, पारिवारिक जीवन के बारे में इनका ठीक नहीं है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में इनके बहुत तनाव और अविश्वास की स्थिति है, उसे ठीक करना चाहिए। आज से दूर होगी दरिद्रता, उतर जाएगा कर्ज और मिलेगी पितृदोष से मुक्ति, क्योंकि आज यानी मौनी अमावस्या के शुभ दिन पंडित सुरेश पांडे जी आपको कालचक्र में इन तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के राशि अनुसार खास उपाय बता रहे हैं। तो बस आप भी कीजिए राशि अनुसार मौनी अमावस्या पर कुछ खास उपाय और फिर देखिए आपके जीवन से कैसे दूर हो जाएंगे सभी कष्ट। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं आपके पितरों की। अगर आप भी पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको माघ महीने में कैसे देना चाहिए पितरों को तर्पण और क्या करना चाहिए दान, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, पितरों को तो कोई नाराज करना चाहता नहीं, और आज के खास दिन क्या करें ऐसा? देखिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए जो सबसे सटीक उपाय है वो है माघ मास में सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए। एक लोटा जल, फूल, जौ के आटे का पिंड बनाकर पितृ तर्पण करिए। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान करिए और पंछियों को दाना डालिए।
शालिग्राम और तुलसी की पूजा करिए। अस्पताल में ज़रूरतमंदों में दवाई का दान करिए और पितृदोष के कारण काम में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी, पितरों की आत्मा को इससे शांति मिलेगी। माँ के इस मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए किया हुआ ये कर्म अक्षय फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवास। चलिए अब बात करते हैं अब राशियों की। मौनी अमावस्या पर सिंह राशि वाले कैसे करें स्नान, क्या करें दान और कौन से करें उपाय, आइए जान लेते हैं पंडित जी से सिंह राशि के लिए। आज मौनी अमावस्या पर सिंह राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति के लिए काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से करना चाहिए। काले तिल पानी में मिलाकर स्नान करें। भाग्योदय के लिए सिंह राशि वाले मजदूरों को मिठाई खिलाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को खिलाएं। धनवान बनने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर घर के पूर्व दिशा में छिड़कें। ये सारे उपाय आपके भाग्य को बदलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच दिल्ली से कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कीर्ति हैं फोन लाइन पर। कीर्ति पूछिए अपना सवाल। गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम तन्नू है, मेरी छोटी बहन कीर्ति ने कॉल किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्नू है, मेरी छोटी बहन ने कॉल किया था। आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है। मेरा नाम तन्नू है जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ 11/3/2001 है जी। मैं सरकारी नौकरी अध्यापक की तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरी नौकरी लग सकती है? ठीक है तन्नू, आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से दशम भाव का स्वामी चंद्रमा, लग्ने शुक्र, दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। आप प्रयास करिए, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन अभी उसमें 3-4 साल का विलंब हो सकता है, आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। चलिए राजेंद्र भी हैं हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। राजेंद्र पूछिए आप अपना सवाल। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 16/3/2006, रात के 9:35 का जन्म है। पंडित जी मैं उनकी उसके फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी वो 11th में है, उसका वो किस लाइन में आगे जाएगी? और दूसरा पंडित जी वो ना अष्टमंगली है, तो किसी ने मुझे बताया था ये अपने वैवाहिक जीवन इसका मतलब पति के लिए भारी है, तो इसमें ये है चीज? देखिए मंगली होना कोई अभिशाप नहीं है, मंगलिक लड़का मिल जाएगा तो मंगली दोष का परिहार हो जाएगा, उसके लिए बहुत हवा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है और ना उसके लिए बहुत चिंतित होने की ज़रूरत है। रही बात उसके करियर की, तो जो आपने पूछा है मैं आपको बताऊं कि दशम भाव का स्वामी मंगल है, वो जब 12वीं कर ले तो उसे SSC और CGL की परीक्षा दिलवाइए। उसे प्रशासनिक छोटी सेवा में जाने का योग बना हुआ है और ये कार्य उसके लिए आसान। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बात बात पर नोकझोंक होती रहती है। ऐसे में शादीशुदा जोड़ों को माघ के महीने में कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी कौन से ऐसे महा उपाय खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए? देखिए वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए माघ मास में एक लोटे में हल्दी, अक्षत और फूल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। गौरी शंकर का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पीले रंग का कपड़ा अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। पीले फूलों की माला पहनानी चाहिए और मिठाई और दो फलों का भोग लगाना चाहिए। सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान करना चाहिए। किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र दान करना चाहिए। मीठे चावल उनको दान करना चाहिए। संबंधों में इससे आजीवन मधुरता बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों को आज मौनी अमावस्या पर कैसे करना है स्नान, क्या करना है दान और कौन से करने होंगे उपाय, जान लेते हैं पंडित जी से कन्या राशि के लिए। आज मौनी अमावस्या पर कन्या राशि को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान के बाद
गुड़, तिल, तेल और कपड़ों का दान करना चाहिए। भाग्योदय के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर जलाना चाहिए, आटे की पंजीरी चढ़ानी चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए सौंफ पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए पीले चंदन का तिलक अपने माथे पर और गले पर लगाना चाहिए। धनवान बनने के लिए घर से उत्तर दिशा की ओर जाकर गाय को घास खिलाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब से कुलवंत हैं फोन लाइन पर। कुलवंत पूछिए, क्या आपका सवाल है? पंजी, राम राम जी। राम राम। पंजी, मैं कुलवंत सिंह पंजाब से बोल रहा हूँ। 24 जनवरी 1980 जी दोपहर 1:29 मेरा पंजी कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है। गाड़ी नहीं, गाड़ी बिकती है, कारोबार नहीं चलता, बताइए। अब कुलदीप, ऐसा है कि जो आपने प्रश्न किया है इसके हिसाब से चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है, सोच विचार करके काम नहीं कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें नुकसान हो रहा है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन 3 किलो चने की दाल किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में दान करें। ये उपाय 5 बृहस्पतिवार आप करें, आपको आजीविका का कोई न कोई नया साधन मिल जाएगा जिससे आपकी रोजी रोटी चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि की बात करते हैं, यानी अब बारी है तुला राशि की। तो आज मौनी अमावस्या पर तुला राशि वाले कैसे स्नान करें, क्या दान करें, कौन से उपाय करें, जानते हैं पंडित जी से तुला राशि। मौनी अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तुला राशि के जातकों को किसी गरीब को ऊनी कपड़े दान करना चाहिए। भाग्योदय के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर स्नान करना चाहिए और पीपल की 6 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तुला राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए हल्दी वाले चावल का दान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। धनवान बनने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में सफ़ेद कपड़े में साबुत चावल बांधकर जरूर रखें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माघ महीने में किए गए उपायों से आपको कैसे मिलेगी पितृदोष से मुक्ति, ये तो आपने जान लिया, लेकिन जो लोग मांगलिक दोष से परेशान हैं उनको माघ मास में कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी, मांगलिक लोगों के लिए उनके लिए क्या उपाय आप बताना चाहेंगे? देखिए, लगने बैच पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजो भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाश कृत। जन्म कुंडली में लग्न से चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में मंगल जब होता है या चंद्रमा से इस स्थिति में मंगल होता है तो मांगलिक दोष होता है जो विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए माघ मास में सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा बांधना चाहिए। भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चना और हलवा दान करना चाहिए। मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव कम होगा और विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पूछिए अपना सवाल। धर्मेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरा लड़का है अंश मिश्रा जी, जिनका आपका बर्थडे है, इनका टाइम है आपका 13 अप्रैल 2011 जी। इनका टाइम है 5:45 का शाम का जी। तो इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही पंडित जी, पीछे हुआ इनका, छत पर से गिर गए, उसमें से प्रॉब्लम आई, ऑपरेशन हुआ, फिर 2 साल बाद इनका प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट हो गया साइकिल से, दूसरा ऑपरेशन हुआ, इनके ऊपर ग्रह कला बहुत ज़्यादा चल रही है, इसका कोई उपाय बताइए। देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया उपाय धर्मेंद्र जी ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय वृषभ राशि में है और उसे 6ठे भाव में केतु है, आप इनके लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवा दीजिए, हवन तर्पण मार्जन करवा दीजिए और इनके वजन के बराबर चावल दान करवा दीजिए जिससे इनकी शारीरिक कष्ट की संभावनाएं समाप्त हो जाएं।
और एक और कॉलर है हमारे साथ बिहार से, सोनी है फोन लाइन पर। सोनी पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, हमें ये सवाल पूछना है कि मेरी सरकारी नौकरी। हाँ, कितने साल की हो सोनी? हेलो, प्रणाम पंडित जी, सुखी रहो। कितने साल की हो पंडित जी? मेरा 24 मई 1995 6:30 शाम बुधवार को जन्म हुआ है, बेगूसराय बिहार जी। और जानना चाहते हो सरकारी नौकरी के लिए? शनि मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है, सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो मौनी अमावस्या पर वृश्चिक राशि वाले कैसे स्नान करें, क्या दान करें, कौन से उपाय करें, जान लेते हैं पंडित जी से। वृश्चिक राशि, मौनी अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि चंदन, तेल, कांसे के बर्तन और हल्दी का दान करें। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके दूध मिले जल से सूर्य को अर्घ दें। शाम को भाग्योदय के लिए चांदी के गिलास में ही पानी पिएं। पीपल के पेड़ के नीचे कपूर और घी मिलाकर दीपक जलाएं। कर्ज से मुक्ति के लिए हींग पानी में मिलाकर स्नान करें। दरिद्रता दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं। धनवान बनने के लिए अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लाल कपड़े में जौ बांध कर रखें। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे अगली राशि की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉलर है हमारे साथ निकी, हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकी जी पूछिए सवाल। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया जी। पंडित जी मेरा नाम निक्की है पंडित जी, और हम पीढ़ियों से पंडित जी बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ 10-5 साल के अंदर एक मृत्यु हो जाती है और घटनाएं घटती रहती है। कोई शुभ काम करें उसमें भी मतलब दुखद परिस्थिति बन जाती है उसकी पंडित जी। और मेरी बीवी मतलब 14 जून को मुझे छोड़ के चली गई 2022 में, क्या वो लौट के आएगी नहीं आएगी? देखिए आपने जो प्रश्न किया है, एक तो मतलब कि द्वितीय भाव में चंद्रमा बुध की स्थिति है, परिवार में जो असामयिक मृत्यु हो रही है उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में या फिर किसी तीर्थ स्थान में नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करवाएं, जिससे कि असामयिक मृत्यु होना बंद हो। जहां तक आपके पत्नी के रुष्टागमन का प्रश्न है, तो मैं कह सकता हूं कि वो बहुत शीघ्र ही वापस आ जाएंगी, आप उसके लिए बहुत चिंतित ना हों। चलिए अब बारी आ गई है धनु राशि की। तो आज मौनी अमावस्या के मौके पर धनु राशि वाले कैसे स्नान करें, क्या दान करें, कौन से उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। पितृदोष से मुक्ति के लिए धनु राशि वालों को मौनी अमावस्या पर अनाज, तेल, रुई, काले तिल का दान करना चाहिए। भाग्योदय के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर स्नान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर ही पूजा करना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए। ये सारे उपाय धनु राशि के जातकों के भाग्योदय में 4 चांद लगा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या पर मकर राशि वाले कैसे करें स्नान, क्या करें दान और कौन से करें महा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से मकर राशि के लिए। आज मौनी अमावस्या पर मकर राशि के जातकों को चाहिए कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए देसी घी का दान करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। भाग्योदय के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। पीपल के 3 हरे पत्ते पानी में डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए हरी इलायची पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। साबुत मूंग की दाल का दान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर डालना चाहिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। धनवान बनने के लिए घर की पश्चिम दिशा में हरी घास या श्यामा तुलसी लगानी चाहिए। ये सारे उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। ये उपाय देखने में तो बहुत सरल हैं, लेकिन इनका चमत्कार बहुत है और इन्हें अगर आज किया जाएगा तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आगरा से बबीता हैं। बबीता जी पूछिए सवाल। जी राम राम पंडित जी। राम राम जी। मेरी मेरी जन्म तिथि है 21 फरवरी 1995 और मुझे अपना जन्म समय नहीं पता है, तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे ऊपर कर्जा है और मैं अपना घर चाहती हूँ, ये कब तक बन पाएगा? देखिए एक तो आपने घर के लिए प्रश्न पूछा है, दूसरे आप अपने ऊपर व्यय के लिए कर्ज के लिए पूछी हैं, तो मंगल तो लग्न में बैठा हुआ है, कर्ज तो अभी 1.5 साल तक नहीं उतरेगा। जहाँ तक घर का सवाल है तो सन 2025 फरवरी के बाद आपका घर हो जाएगा। और एक और कॉलर है मुरैना से शिवानी, पूछे शिवानी अपना सवाल। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार शिवानी जी। वो मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो मेरे अंश का अंश है, एक बड़ा भाई बुआ का लड़का, वो खत्म हो गया है, इसकी क्या दिन चल रहे हैं? ये इसकी जन्म तिथि है 2012 और 9 नवंबर। आपके बुआ का लड़का है? जी हाँ बुआ का लड़का है। उसका जवाब नहीं हो सकता है, बुआ के लड़के का कोई ज्योतिष में जवाब नहीं है, क्योंकि उसका योग नहीं बनता है, उसको प्रश्न कुंडली से साधना बहुत कठिन बात है, उसका सटीक जवाब नहीं हो सकता है। सगे भाई के बारे में, चचेरे भाई के बारे में बात हो सकती है, बुआ का लड़का मौसी का लड़का, इनका जवाब मुश्किल है। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। सुचित महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुचित बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं पूछना चाहता, पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। मैं मेरे दो बच्चे हैं सर, बड़े बच्चे का नाम है सचिन, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1998 सुबह के 7:20 पे। छोटे बेटे का नाम है सत्यम, उनका जन्म तिथि है 22 जनवरी 2002 रात के 1:30। इन दोनों के भविष्य और सेहत के बारे में पूछना चाहता हूँ सर। देखिए बड़े बेटे के बारे में तो बताऊं कि बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति है तृतीय एकादश, बहुत अच्छी है, लेकिन शनि मड़ऊ योग कारक है, जिसके कारण अभी आपके बड़े बेटे का भाग्योदय साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इनको चाहिए कि ये अपने भाग्य को साथ देने के लिए शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का चित्र लगा कर करें, और ये उपाय कम से कम 7 शनिवार करें, तब जा कर के इनका भविष्य कुछ सुधरेगा। छोटे बेटे के बारे में आपने जो प्रश्न किया है तो उसके बारे में बता दूं कि द्वितीय सप्तमेश शुक्र है और शुक्र का बृहस्पति के साथ इतिसाल है, ये भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इससे भी आपको चाहिए कि दुर्गा स्तुति करवाइए और दुर्गा चालीसा का पाठ करवाइए, इससे इसको भी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है उनको माघ के महीने में आने वाली गुप्त नवरात्र में किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बहुत अहम सवाल। जिस किसी लड़की के विवाह में देरी हो रही है वो माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्र में, सोमवार के दिन, कल से शुरू होगा गुप्त नवरात्र, शिव मंदिर जाकर शिव पार्वती को जल और दूध अर्पित करें। अपने पास एक मोरपंख जरूर रखें और हर रोज सुबह केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। माघ मास की गुप्त नवरात्र में माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें और कात्यायनी मंत्र का जप भी करें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जालंधर से मनजीत कौर हैं। मनजीत जी पूछिए सवाल। हेलो। हाँ मनजीत जी। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। पंडित जी मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 2005 जी। पंडित जी इसका ना एक्सीडेंट हो गया था 4 महीने पहले, और पंडित जी एक चूल्हे का प्रेट हुआ है, इसका एक हाइजूलोलॉजी का हुआ है, और पंडित जी ये कब तक ठीक हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे? बृहस्पति मीन राशि में है, अष्टम भाव में है, अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगी, अप्रैल के बाद पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएगी, 21 अप्रैल के बाद एकदम पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएगी। बहुत चिंता करने की बात नहीं है, इलाज आपने सही करवाया है और ये ठीक हो जाएगी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मऊ से विद्या विश्वकर्मा, पूछिए सवाल क्या है आपका। चलिए शायद फोन कट गया है। भागीरथ सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूछिए भागीरथ जी सवाल। नमस्कार जी।
हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, हमारे लड़के हैं सर, एक का नाम रविंदर है और एक का नाम सुरेंद्र है। तो सर उनकी जन्म डेट है 13/8/1997 रविंदर की, और सुरेंद्र की है जी 26/3/2000 जी। हाँ जी, उनके थोड़ा सा भविष्य के बारे में पूछना था सर, कि जॉब के बारे में और शादीशुदी के बारे में। आपके प्रश्न के हिसाब से दोनों का भविष्य ठीक दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी का योग तो दोनों में से किसी का नहीं है, लेकिन दोनों प्राइवेट सेक्टर में अपना बहुत अच्छा इमेज बना लेंगे और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निर्वाह करेंगे। चलिए अब बारी आ गई है कुंभ राशि की। तो आज मौनी अमावस्या पर कुंभ राशि वाले कैसे करें स्नान, क्या करें दान और कौन से उपाय करें, जान लेते हैं पंडित जी से कुंभ राशि। आज मौनी अमावस्या पर कुंभ राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल की जड़ में पानी डालकर स्नान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले कर्ज से मुक्ति के लिए गंगाजल पानी में मिलाकर स्नान करें, चीनी का दान करें, दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए केले के पेड़ की पूजा करें, धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पश्चिम दिशा को साफ रखें, घर में मनी प्लांट जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। आज मौनी अमावस्या के दिन मीन राशि वाले वो कैसे स्नान करें, क्या दान करें और कौन से उन्हें उपाय करना चाहिए जिससे इनका हो जाए भाग्य उदय, तो चलिए जान लेते हैं मीन राशि। देखिए मीन राशि पर मौनी अमावस्या पर मीन राशि के दिन मौनी अमावस्या के दिन मीन राशि वालों को पितृदोष से मुक्ति के लिए किसी मंदिर या खुले स्थान में पीपल का पौधा लगाना चाहिए। भाग्योदय के लिए मजदूरों को मिठाई खिलानी चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शक्कर चढ़ाना चाहिए और पीपल के पेड़ भी लगाना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए केसर पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए केसर और हल्दी का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। धनवान बनने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो शादी को कई साल हो गए हैं मगर अब तक संतान नहीं हुई, तो माँ के महीने में कैसे सूर्य को अर्पित क्या दान करें, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, संतान की कामना हर कोई करता है, तो ऐसे में क्या उपाय इस दौरान? देखिए, संतान की कामना के लिए माघ मास में सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। संतान गौरी की पूजा करनी चाहिए। दुर्वा, गुड़हल के फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफ़ेद कपड़े दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को आटा, चीनी, घी का दान करना चाहिए और हो सके तो हरिवंश पुराण की एक पुस्तक किसी को दान करना चाहिए जो उसका योग्य पात्र हो। तो इन सब चीज़ों से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बनती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। तो तब तक के लिए कालचक्री पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार।